हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से आज मेरे साथ देखेंगे CGPSC 2018। हम क्वेश्चन पेपर सेकंड देखेंगे, ठीक है, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, है ना। तो ये सेट ए का क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे देख चुके हैं CGPSC प्रीलिम्स 2018 पेपर फर्स्ट देखे हो, तो आज हम पेपर सेकंड देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। ये सबको तो पता ही है ना, 100 क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है, सब पता है। चलो आगे हम देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग, नीचे कैसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड तक इसी में प्रश्न है, उसके नीचे और ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगी, आप लोग क्वालिटी बढ़ाकर देख लेंगे इस टाइम पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखें पहले। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पहले तो आरेख आप देखेंगे, मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक है। अब दिख रहा है, देखो यहाँ पर त्रिभुज के आकार में है, वो चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। और जो सर्कल बना हुआ है उसके अंदर जो संख्याएं हैं वो क्या है, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है। और इधर देखो आप लोग, आयत बना हुआ है तो इसमें है शराब पीने वाले व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है, वाइन पीने वालों की संख्या है। देख लिए आप लोग, तो इसके अंतर्गत और बीच बीच में फंसे हुए हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चलिए क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, लिख लेना हो सके तो एक अलग से कॉपी में, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, आपके पास ऑप्शन ए रहे। चलो क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है। आप लोग बना लेना डायग्राम अलग से, ताकि आपको समझ में आए, क्वेश्चन को लिख ही लेना, सबसे अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय और कॉफ़ी और शराब सभी पीते हैं, मतलब तीनों चीज़ें ही पी रहे हैं, आपके पास ऑप्शन ये रहे, देख लिया आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ा है ना, एक ही फ्रेम में नहीं आ पाता नहीं तो। चलो निर्देश है, एक कथन के बाद दो तर्क दिए जा रहे हैं, आप यह निश्चित कीजिए कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमज़ोर है। अब थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ आपके लिए, ठीक। अब देखो, अब दिख रहा है, कथन है आपका। कथन, क्या भारत में सभी आयु की महिलाओं और लड़कियों के लिए पूरी शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? जी हाँ, इसमें पूछा है प्रश्न, भारत में सभी आयु की महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा क्या है, मुफ्त कर दी जानी चाहिए, आपका ये कथन है। इसमें तर्क पहला है, नहीं, यह हमारे वर्तमान सामाजिक ढांचे को कमज़ोर कर देगा। तर्क सेकंड है, हाँ, भारतीय महिलाओं के गौरव को वापस लाने का यही एकमात्र रास्ता है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, आप देख लेंगे क्या तर्क दोनों सही हैं या दोनों गलत है, या सिर्फ केवल तर्क पहला ही मजबूत है, या केवल तर्क दूसरा ही मजबूत है, ठीक है, देख लेंगे आप लोग, बताएंगे आप। जी हाँ, यदि आपको चाहिए इसका मॉडल आंसर तो मुझे कमेंट कर देंगे, मेरे पास है, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे। संख्या 6n² + 6n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, हमेशा भाज्य है। ऑप्शन ए रहे आपके सामने, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12 से, ऑप्शन सी 6 से, और ऑप्शन डी है 6 तथा 12 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, 12 जनवरी, 23 जनवरी, 30 जनवरी, 5 सितंबर, 14 नवंबर, बताओ। इसमें जनवरी 30 का महीना होता है क्या, देख लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 से लेकर 12 तक। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, ताकि क्या है पेन से लिखा हुआ आपको समझ में भी आ जाए। चलो ठीक है। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का, थोड़ा सा वो है, आप लोग देख लेंगे अच्छे से। देखो पहले क्वेश्चन देखो, ए लो, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के बाद में एक संख्या या प्रत्येक से पहले एक अक्षर आता है किंतु दोनों नहीं है। आप लोग इसको लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8-12 तक इसी के क्वेश्चन है। 2YSED, शायद इप्सलॉन का मार्क्स है, पता नहीं क्या अजीब सा बना है, से उसी प्रकार संबंधित है जैसे PHK संबंधित है। एक सेकंड आप देख लो, यहाँ पर 2YS, देखो यहाँ
जो जे वाई टू है ना उसको उल्टा करके लिख दिए हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन भी वैसे उल्टा करके लिखा, ऑप्शंस आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाऊं, ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक के बाद में एक प्रतीक है या प्रतीक से पहले एक अक्षर आता है। ऑप्शंस देख लो। देखो ये क्वेश्चन दिखा के मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई डॉलर नहीं बनेगा, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको एक अनुभव हो सके कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, एप्टीट्यूड में। जो कि जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 66 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और रिजर्व कैटेगरी से हैं, एसटी ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, तो भी आपको पासिंग मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। लेकिन पड़ेंगे, जब तक आप इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका जीएस पेपर तो होगा नहीं जाँच। तो देख लो, अब देखो इस व्यवस्था में अंग्रेजी के कितने अंक हैं, ठीक है, उसी क्वेश्चन का है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लो, कुछ देशों की मुद्राओं को कितने प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शंस देख लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वर्ण श्रेणी में लुप्त अक्षर क्रम में है। पहले लिख लेंगे क्रम से, उसके बीच में कौन कौन से अक्षर क्या हैं लुप्त अक्षर क्रम में है, फिर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे आंसर। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन बिना पेंसिल उठाए, ठीक है, पेंसिल को बिना उठाए तथा बिना रेखा को दोहराए खींची जा सकती है। आप एक पेन लेंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि आप पेंसिल को बिना उठाए और जो रेखाएं बनी है उसको दोहराए बिना आप खींच सकते हो। जैसे पहला नंबर आप खींच सकते हो, है ना, ए और सी तो खींच ही सकते हो आप, देख लो बी और डी खींच सकते हो क्या, ठीक, आपके पास ये रहे ऑप्शंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित आरेखों में से जिला, राज्य और देश को कौन सा वन आरेख दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, एक और दो के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में किस समय पर लगेंगे। एट विच टाइम द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल मीट टुगेदर बिटवीन 1 and 2 o'clock। समझ गए, ऑप्शन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यदि अंडर रूट 3 n = 81 देन n क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देख लो अंडर रूट से क्वेश्चन आए हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत सारे व्यापम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग देख लेंगे। इसमें एन का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, डी नंबर तक दिखा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न को पूरा कीजिए, वाई बी वी सबसे पहले लास्ट से लिया है, फिर इधर का सेकेंड बी नंबर लिया है, फिर उधर से लास्ट का वी लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो जो क्वेश्चन नंबर है 21, एक महीने में सभी शनिवार और क्या है एवं रविवार को छुट्टियां रहती है। एक महीने में सभी शनिवार एवं रविवार को छुट्टियां रहती है, यदि महीना जनवरी का है तो उस महीने कुल कितनी छुट्टियां होंगी। जनवरी का महीना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे 22 से लेकर 26 तक में, पहले देखो इसको ग्राफ देखो आप लोग, तब मैं क्वेश्चन दिखा दूँ। अब देखो, किस राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम है, उस ग्राफ को देखकर बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकरण करने के लिए सहायता देने का निर्णय ले और सबसे कम विद्युतीकृत ग्रामों वाले राज्य से आरंभ करती है तो वरीयता क्रम में है उसमें कौन सा राज्य चौथे नंबर पर आएगा। तो जो ग्राफ है उसके अनुसार ही आपको इसमें भी ऑप्शंस हैं और उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, कितने राज्यों में से कम 60% या अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है, इसका और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा राज्य ऐसा है जहां द की तुलना में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत दोगुना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य अ में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है? ऐसे क्वेश्चन और भी है जो थोड़ा सा क्या है, इसलिए बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है ना, इसे दे देता है क्वेश्चन नंबर इतना से इतना लिख तक निर्देश दे देता है। चलो, निम्नांकित चार्ट दो देशों भारत व नेपाल के लोगों का विभिन्न मदों पर खर्च प्रदर्शित करते हैं, इनका अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का सही उत्तर याद कीजिए। पहले तो आप लोग देखेंगे, मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर दूँ इसे, ठीक है। देखो, भोजन में कितना प्रतिशत नेपाल के लोग खर्च करते हैं, यात्रा में, शिक्षा, उत्सव और अन्य चीज़ों में। वहीं दूसरी ओर बनी हुई है आपके भारत के लिए कि यात्रा, शिक्षा, भोजन, उत्सव और अन्य चीज़ें में कितने उपयोग करते हैं। इस तरह से नीचे आप देखेंगे, अब इसको हम छोटा कर सकते हैं ना, ताकि आपको दिख जाए। चलो, भोजन पर भारत का खर्च नेपाल के खर्च का कितना गुना है? सॉरी, हाँ, भारत बोल रही थी, अचानक से कुछ और ही निकल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, नेपाल के लोग भोजन की अपेक्षा उत्सव पर कुल का कितने प्रतिशत अधिक खर्च करते हैं? अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोगों का अन्य मदों पर खर्च लगभग कितने प्रतिशत है? जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य चीज़ों में कितने खर्च करते हैं, उसके बारे में पूछा है क्वेश्चन। आप लोग इस चार्ट को देखेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय लोगों का यात्रा पर खर्च तथा नेपाल के लोगों का यात्रा पर खर्च में क्या अनुपात है? जब ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आप लोग कॉपी में अलग से उसको ग्राफ को बना लो, ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, यदि नेपाल का शिक्षा पर व्यय 22,50,000 हो तो उनका उत्सव पर कितना खर्च होता है? ऑप्शन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिखा दूँ मैं, पानी से भरी एक बाल्टी का भार 20 किलोग्राम है, यदि बाल्टी पानी से आधी भरी है तब उसका भार 14 किलोग्राम है, तो खाली बाल्टी का भार कितने किलोग्राम होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में समय लगेगा। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, कई जगह आया है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ये रिपीट क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 35, एक वस्तु को 2,700 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? एक घंटे का वीडियो बन पाता है, इसलिए मैं आप ऑप्शन साज नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग 36 का देख लेंगे, अगला मैं दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज का दर वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा? चलो, क्वेश्चन नंबर 38 इसको छोटा कर दूँ पहले। चलो, अब दिख रहा है, दो विद्यालयों ए और बी के परीक्षाफल निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर इस तालिका से दीजिए। कक्षाएं हैं, परीक्षा में बैठे हैं, उत्तीर्ण हैं, और विद्यालय सेकंड है बी, परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण हैं, इसके अनुसार आपको बताना है जो रिक्त स्थान उसमें भी। चलो, क्वेश्चन देखो 38, दोनों विद्यालयों के कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? क्वेश्चन अगला है, दोनों विद्यालयों से कक्षा एक्स के पास विद्यार्थियों की संख्या है? क्वेश्चन लंबे चौड़े होते हैं, इसलिए पहले का जो ऑप्शंस होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं मेन, उसको लिख लिया करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40, विद्यालय ए के कक्षा 9 और कक्षा 10 के पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ये क्वेश्चन ना 2022-23 में आया है, CGBEED में, है ना, PreBEED में आया था, उठा के छाप दिया है इस पर। एक निश्चित कुट भाषा में, देख लो आप लोग ही देख लेना, ठीक है, इस भाषा में दे के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है? देखो पहले, ठीक है, अब ये रहे आपके ऑप्शंस।
ठीक दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43। प्राचीन ए स्थान से चलकर पूर्व की तरफ बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की, तब वह दाई तरफ मुड़ी और 3 फीट चली, फिर से वहाँ दाई तरफ मुड़ी और 14 फीट चली, वह स्थान से ए से कितनी दूरी पर है। ऑप्शंस देख लेंगे, अगला क्वेश्चन मैं दिखा दूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 44। यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। कौन सा दिन था बताओ, सोमवार था, मंगल था या रविवार था। क्वेश्चन नंबर 45। यदि ए का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ प्लस, पी का अर्थ गुणा और एस का अर्थ माइनस हो तो 68A 48D 2S 8P 10 इक्वल क्वेश्चन मार्क। पहले आप लोग जमा कर लिखेंगे, उसके बाद ए का मतलब प्लस लगा देंगे, डी का मतलब भी प्लस हो जाएगा, और जहाँ पी पी लिखा है वहाँ गुणा कर देंगे और जहाँ यस लिखा हो वहाँ पर माइनस कर देंगे। उसके बाद उसमें आपको बोर्डमास थ्योरी लगाना है, जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शंस आपके पास दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लकड़ी के घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। दूसरा, 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर के विपरीत ओर लाल रंग से रंगे गए हैं। थर्ड है, 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर के विपरीत ओर को नीला रंगा गया है। और चौथा है, दोनों ओर हरे रंग से रंगा गया है, ठीक है, जो भी है। रिमेनिंग टू साइड्स आर कलर्ड ग्रीन, समझ गया। अब और पांचवा है, अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखो, 46 लेकर 48 तक बताना है। अब देखो, अब क्वेश्चन शुरू होता है। कितने घनों में केवल एक रंग होगा, समझ गए, कितने ऐसे घन हैं जिसमें सिर्फ एक रंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कितने घनों में सभी 3 रंग होंगे। 48 देखो, कितने घनों में कोई रंग नहीं होगा, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव नो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं, एक को छोड़कर 3 में समानता है, भिन्न विकल्प का पता लगाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही संख्या है। इधर देखो, 4 12 हो जाता है, 4 से और करो क्या हो जाएगा, 4 निया कितना होगा, 36 हो जाएगा, है ना, और 14 तिया 42 हो जाएगा। तो बताओ 30 और 35 का क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। एक वृत्ताकार प्लेट जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है के केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का डिस्क काट लिया जाता है। अब दो वस्तु डिस्क एवं वासर बन जाते हैं, तो डिस्क एवं वासर के क्षेत्रफल का अनुपात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो ऐसी संख्याएं जिनके जोड़ का वर्ग एवं जिनके वर्गों के जोड़ का अंतर 2 है, वे हैं। ऑप्शंस आप लोग देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 53। 50 से कम प्राकृतिक संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे। ठीक है, जो 50 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके कितने युग्म बनेंगे, और जो कि निम्न दशा संतुष्ट करते हैं उनके अंतर एवं योग का अनुपात 2:7 है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, है ना, 54। राम, श्याम और हरि एक कार्य को क्रमशः 30, 45 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि वे मिलकर उस कार्य को करके 7,800 कमाते हैं, तब राम को क्या धनराशि मिलेगी। ऑप्शंस देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन,
55. एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले आदमी को 48 सेकंड में पार करती है. रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 56. निम्नलिखित वर्ग में कौन सी संख्या आएगी? 3, 2, 9, 4, उसके बाद 8, 81, 16. बीच में आप लोग देखो स्क्वायर बना हुआ है ना, एक क्वेश्चन धुंधला दिख रहा होगा क्या आपको, मैं पढ़ रही हूँ आप सुन लेंगे ठीक है. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, एक दल के नेता के लिए दल के सदस्यों की सामर्थ्य और कमजोरियों के आकलन का कौशल आवश्यक है. एक दल के नेता के लिए ठीक है. दूसरा, एक दल के नेता के लिए व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्य और दल के लिए सामान्य लक्ष्यों की निर्धारण का कौशल आवश्यक है. उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस मैं नीचे कर देती हूँ ताकि दिख जाए. देखो मैं छोटा करी हूँ, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेना ठीक है. चलो दिख गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्गी संप्रेषण का उदाहरण है? एक मार्गी, मार्गी मतलब समझते हो, जो वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ हम उनको सुन सकते हैं, उनको रिप्लाई नहीं कर सकते, जैसे एक टेलीविज़न है. ये सही है ठीक है. ये जो क्वेश्चन है बहुत लंबा चौड़ा है. देखो, अजय, अविनाश, अमित, आलोक, अरुण, अनिल और अखिल 7 मित्र हैं. वे अभियांत्रिकी की विभिन्न शाखाओं में तथा मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी, बायोटेक और इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहे हैं. एक क्रम में हो आवश्यक नहीं है. अभी तो आसान लग रहा है, पहले देख लेना उसके बाद ऑप्शन दिखाऊंगी. इनमें से प्रत्येक निम्नलिखित में से एक खेल तथा यथा फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वाश, वॉलीबॉल और लॉन टेनिस खेलता है, परंतु ए भी क्रम में हो आवश्यक नहीं है. अब देखो, अनिल हॉकी खेलता है तथा ना तो इलेक्ट्रिकल और ना ही सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ता है. अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है और वॉलीबॉल खेलता है. अजय बायोटेक पढ़ता है और फुटबॉल और स्क्वाश नहीं खेलता ठीक है, नहीं खेलता. जो केमिकल पढ़ता है वह क्रिकेट खेलता है. जो फुटबॉल खेलता है वह कंप्यूटर साइंस पढ़ता है. समझ गए? अनिल स्क्वाश खेलता है, अगर अखिल बैडमिंटन खेलता है और इलेक्ट्रिकल पढ़ता है. आलोक केमिकल नहीं पढ़ता. अब बताओ फुटबॉल कौन कौन खेलता है? अविनाश, वरुण, आलोक, अजय. इसलिए नोट कर लेना अलग से ठीक है. देखो अनिल क्या पढ़ता है पूछा है. अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खेल अजय खेलता है? अविनाश क्या पढ़ता है? चलो क्वेश्चन नंबर 63. टू पेयर डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली बाई अ प्लेयर एंड नीड्स अ टोटल ऑफ 5 टू विन द गेम. What will be his probability of winning the game? इसकी प्रायिकता कितनी है? ऑप्शंस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 64. एक जमीन जिसका नाप 3 मीटर × 2 मीटर है, उसे 1 मीटर गहरा खोदकर उससे उस मिट्टी से उसके चारों तरफ 1/2 मीटर ऊंची बाउंड्री इस तरह बनाई गई कि उसकी चौड़ाई समान रहे, तो मेड मतलब बाउंड्री की चौड़ाई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 65. यदि ए त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल एवं उसके अंदर बने महत्तम वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा. देखिए कोशिश करूंगी मैं दोनों साइड एक साथ ही देख लो. हिंदी के क्वेश्चन दोनों के ऐसे ही आते हैं ना, हिंदी तो हिंदी है, उसको इंग्लिश में थोड़ी छापेंगे. तो पहला है संधि विच्छेद सही नहीं है पूछा, इसमें नहीं है. जैसे दुसंधि के लिए दुह धन संधि, को अपि कह धन अपि लंबोष्ठ लंब धन ओष्ठ पोधन अक पावक, तो इनमें कौन सा सही नहीं है? जबकि पावक तो सब ऐसे भी सही है ना. कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है. अरविंद तो होता है, राजीव, गिरीश, नीरज. अगला देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 67 पहले देखो, निम्नांकित में से शुद्ध रूप है अंजलि, कालिदास, श्राप, अहल्या, इसमें शुद्ध रूप कौन सा है? अंजलि है या कालिदास ऐसा लिखते हैं, या श्राप ऐसा लिखते हैं, या अहल्या लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 72 देखो, पहले ए स्वर का प्रकार है, जो ए है कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, मूल स्वर है, या संयुक्त स्वर है, ये कैसा बनता है? अ प्लस ई मिलके ए बनाते हैं, क्या सही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, तब जाके 73 भी देख लेंगे। आँख उठाकर ना देखना का सही अर्थ है, ऑप्शन ए पलके बंद कर रखना, बी आँख ना खोलना, सी उपेक्षा करना, डी तपस्या करना। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसलिए पढ़ के जाना है आपको तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। अगला देखेंगे, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है, ऑप्शन ए करेले की बेल नीम पर चढ़ाई जाती है, ऑप्शन बी करेले और नीम पास पास उगते हैं, सी गुड़ी की अच्छी संगत में पढ़कर और गुणवान हो जाना, डी बुरे का बुरी संगत में पढ़कर और बुरा हो जाना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है प्रभाकर, विश्वंभर, मधुकर या कलाधर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा सही शब्द है, जैसे उज्ज्वल सही लिखा है या उज्ज्वल सही है, या उज्ज्वल सही है, या उज्ज्वल सही है? देखो संधि विच्छेद करने से तो उत्थान ज्वल होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, उज्ज्वल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, उपसर्ग का विलोम शब्द है, जो उपसर्ग है उसका विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए उपादान, बी प्रत्यय, सी अमंगल, या डी विरक्त। क्वेश्चन नंबर 76 ना नमपल्ली क्या है पूछा है, चलो इधर देखो आप लोग। 80, बहादुर होने का दावा करने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? देखो छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ के तो जाना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन पहला छाती पिटना, बी छाती फूलना, सी छाती भरना, डी छाती दिखाना। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, किस कवित्री के प्रथम काव्य संग्रह मोर अंगना के फूल 2012 में को विमर्श के साथ प्रकाशित छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह की प्रथम कृति माना गया है? ऑप्शन ए शकुंतला शर्मा, बी सरला शर्मा, सी वसंती वर्मा, डी अनुसुईया अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 81, छत्तीसगढ़ी मुहावरा में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, पैसा पैसा भर भरना, बीजीना, सिरोना, डी तरसना। पैसा पैसा भर तरसना क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरस्कृत होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? अघोरी होना, बी अक्कल माँ गोबर भरना, सी अग्घा जाना, और डी अटरा होना। तिरस्कृत होना मतलब अपमान होना। चलो क्वेश्चन नंबर 82, मोहित करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? मन हरियाणा, बी मन ला बोधना, सी मन लेना, डी मन ला राखना। अगला देखो, पहले 79 फिर 83 देखेंगे, ठीक है। विचार सीमित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? कोयला होना, बी कोचई कांदा होना, सी कोंदा होना, डी कोरी खरीखा होना। विचार सीमित होना। 83 देखो, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति को पूरा करें, खनिस खपटिस पथरा पाइस, तो ऑप्शन ए कोल्हिया, ऑप्शन बी छुचुआ, सी मुशुआ, डी लम्हा। बहुत सारे लोग सुने भी नहीं होंगे खनिस खपटिस पथरा और पाइस का होते हैं ना, कहाँ होते बताओगा तुमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 84, ये लोकोक्ति है, लकड़ा डबरा मा कनवा, तो ऑप्शन ए कोकड़ा हो जाएगा, बी कौवा हो जाएगा, सी परेवा, डी मैना। इधर देखो 87, पहले छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, राजा ननल विपत परिस्तय भूंजे मछरी, रिक्त स्थान मा कुदिस, डबरा मा कुदिस, दरिया में कुदिस, नदिया मा या दहरा मा। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति करें, क्वेश्चन नंबर 85, हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के, सील लोढ़ा पीढ़ा या बेलना। हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के,
का हो जाएगा बताओ। 88 देखो, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। पानी के भीतर कांस के लोटा, क्या होगा? सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, अंडा होगा या नारियल होगा? पानी के भीतर कांस के लोटा, सुने हो इसको बोलते हुए? चलो 86 देखो, फिर 89 भी देख लेंगे। चलो ठीक है, 89 पहले देखो। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तिथि बतलाइए। ऑप्शन ए 28 नवंबर, ऑप्शन बी 14 अगस्त, सी 21 फरवरी, डी 14 सितंबर। 86 देखो, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कनवा खुरवा बड़ा उपाई, रिक्त स्थान, माँ चघ के बंदूक चलाई। ठीक है, कनवा खुरवा बड़ा उपाई, ऑप्शंस मैं देख रही हूँ। ऑप्शन ए है सीढ़िया, बी छानी माँ चघ के बंदूक चलाई हो सकता है, या सी आठ होगा, या डी दुआरी होगा। सुने होंगे आप लोग, बोलते होंगे, बहुत शैतान होते हैं ना ऐसे लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 90, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण ग्रंथ में डॉक्टर विनय कुमार पाठक के साथ सहलेखक कौन है? हाँ, छत्तीसगढ़ी आपको ग्रामर पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी जानना है, तो आप विनय कुमार पाठक पढ़ लेना, बोलते हैं ना। अब इसके सहलेखक कौन है बताओ। ऑप्शन ए डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, बी डॉक्टर विमल कुमार पाठक, सी राघवेंद्र दुबे, या डी विवेक तिवारी। क्वेश्चन नंबर 91, बिछुआ का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बिछिया होता है, बी बिछा होता है, सी बिच्छू होता है, या डी छुरी होता है। 96 देखो, छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए चुटर्री, ऑप्शन बी चुम्पा, सी चुपेचाप, और डी है चुरपुर। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देशज उपसर्ग है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी बद, ऑप्शन सी अइन, और डी है सर। क्वेश्चन नंबर 93, गुरतुर में कौन सा प्रत्यय है? उर है, तुर है, उर है, या रतुर है? अगला देखेंगे 94, डंडा शब्द का बहुवचन क्या होगा? डंडे, डंडा, डंडामन, बहुत सारे, छत्तीसगढ़ी में पूछा है, क्या होगा? 94, अब देखेंगे 95, निरोग शब्द का विशेषण छत्तीसगढ़ी शब्द बनाइए। जो निरोग है उसका विशेषण बताना, वो भी आपको छत्तीसगढ़ी में बतानी है, ठीक है? ऑप्शन ए निरोग कुल हो जाएगा, बी निरोग हो जाएगा, सी निरोगिल हो जाएगा, या डी निरोगुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 97, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन छत्तीसगढ़ी में अर्धस्वर है? एक स्वर है जो कि अर्धस्वर है छत्तीसगढ़ी में। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी र, सी य, और डी ल। देखिए नीचे में हलंत लगा है, जहाँ भी हलंत लग जाए मतलब आप समझ जाना उस शब्द को हम अर्धस्वर करने के लिए हलंत लगा देते हैं, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 98, छत्तीसगढ़ी जनौला एक चिरई ऐसा पूछी माँ दो पैसा का क्या अर्थ है? ठीक है, जनौला है छत्तीसगढ़ का, एक चिरई ऐसा पूछी माँ पैसा, पूछी माँ दो पैसा, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए नीलकंठ, ऑप्शन बी कोयल, सी कबूतर, डी मयूर। चलो 99 देखेंगे, टेहो या टोहरा किस पक्षी का नाम है? ऑप्शन ए नीलकंठ, बी मयूर, सी तोता, डी है बुलबुल। चलिए 100 देखेंगे फाइनली, जनौला का क्या अर्थ होता है? जो जनौला है उसका मतलब क्या होता है? अभी तक सुन रहे हो ना, दिमाग में हिट कर लिया होगा जनौला क्या होता है, जो पहली बार देख रहे हो। चलो, तनक से फुद की फुदकत जाए, नौ से अड़ौवा पारत जाए, समझो एक मुहावरा है, उसका मीनिंग आपको बताना है। तनक से फुदकती फुदकत जाए, नौ से अड़ौवा पारत जाए। ऑप्शन ए चाकू, ऑप्शन बी चिमटी, ऑप्शन सी करछुल, डी सुई। करछुल मतलब छत्तीसगढ़ी में जो करछुल बोलते हैं वो हिंदी में आपका होता है चम्मच, स्पून, जो बड़ी वाली स्पून होती है जिस पे आप सब्जी रोटी चावल के लिए उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं करछुल। ठीक है, चाकू सबको पता है, चिमटी पता है, और सुई भी पता है, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अंतिम करते हैं 2018 का। और हाँ, आपको 2020 के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देंगे, मैं CGPSC प्री
पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का, हरे कृष्णा।